तो देखिए, तो इसमें क्या था कि अगर कॉस और सेक का एंगल अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन लिखना ही नहीं, नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल के आंसर सेम है कॉस और सेक में, इसलिए क्या होता है माइनस साइन को लिखा ही मत करो, माइनस साइन निकाल दो, पॉजिटिव एंगल के आंसर लिखना है। लेकिन साइन कोसेक कॉट और टैन में क्या होता है, माइनस साइन जो रहता है एंगल का वो बाहर आ जाता है और एंगल पॉजिटिव बन जाता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है एंगल क्या बन जाता है पॉजिटिव। फिर इसके बाद आप आंसर लिखो, फॉर एग्जाम्पल साइन का अगर एंगल नेगेटिव है तो मैंने क्या बताया था माइनस साइन का आता है बाहर, आगे बाहर, तो बचा कौन साइन पाई बाय सिक्स, वो एंगल पॉजिटिव बन जाते हैं ना माइनस साइन बाहर में, माइनस बाहर आ गया साइन पाई बाय सिक्स। अब आप इसका आंसर लिखो माइनस साइन थर्टी डिग्री कितना होता है, यानी साइन माइनस पाई बाय सिक्स का आंसर माइनस हो गया। अगर आपको कॉस थ्री पाई का आंसर पूछा माइनस थ्री पाई का, बताओ आपको क्या बताया था, कॉस और सेक का अगर एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन लिख रहे हैं, ये क्या हो गया थ्री पाई, माइनस साइन लिख रहे हैं, कॉस थ्री पाई कितना होता है, मैंने आपको उसके लिए बताया कि ये वन पाई, इधर टू पाई, इधर थ्री पाई, पॉजिटिव है ना, अब इधर निगेटिव तो निगेटिव का पॉजिटिव हो गया, कॉस में और सेक में माइनस साइन गायब हो जाता है, थ्री पाई कहाँ पे आता है वन पाई टू पाई थ्री पाई, है ना, अब इधर जी करिए वन पाई टू पाई थ्री पाई, थ्री पाई इधर आता है, बताओ थ्री पाई का आंसर क्या होगा, आपको याद है यहाँ पे सर लिख दिया था माइनस वन कॉमन जीरो, तो कॉस थ्री पाई कितना होता है माइनस वन, ठीक है, इधर ये है आंसर। अब बताओ टेन माइनस फाइव बाय फोर, बताओ टेन में क्या होता है माइनस साइन का आता है, माइनस साइन का आता है बाहर, माइनस बाहर आ गया कौन आ गया टेन फाइव बाय फोर, अब बताओ ये है माइनस साइन और टेन फाइव बाय फोर कितना होता है, टेन फोर्टी फाइव डिग्री कितना होता है वन, तो टेन माइनस फाइव बाय फोर का आंसर है माइनस वन। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल अगर निगेटिव है तो माइनस साइन बाहर आएगा, लेकिन कॉस ऑफ साइन में बाहर कुछ नहीं होता, ठीक है, उसकी ये प्रैक्टिस है थोड़ी सी, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूले जो है कौन से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। अब ये जो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई में है, यानी साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, मल्टीप्लाई में ना कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, और ये मल्टीप्लीकेशन में ये कन्वर्ट हो रही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। देखो मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू टू ये है फैक्टराइजेशन और मैंने इसको लिखा 5 प्लस 1 ये एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये है 6 सच, लेकिन ये फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लीकेशन में, और उसी को कैसे एक्सप्रेस किया एडिशन या सब्सट्रैक्शन में, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये है मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको कैसा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, ठीक, उसको बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन करना। अब होता क्या है इनमें एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट, अब एंगल्स डिफरेंट चाहिए ऐसा क्यों बोला है, अब बताओ मान के चलो इसका एंगल है साइन ए, एंगल ए और इसका भी एंगल अगर ए होता तो उसके लिए हमारे पास एक हाफ एंगल फॉर्मूले, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनके बारे में बता दो, कॉस ए और इस कॉस का एंगल भी ए, बताओ ये भी कॉस है वो भी कॉस है, यानी एंगल अगर सेम होता तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता, कॉस स्क्वायर, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर, साइन ए और ये भी साइन ए जो होता तो क्या होता है साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये होता है कि एंगल डिफरेंट रहे तो ही ये फॉर्मूले लगाना। अब कैसे देखो याद कैसे रखना, देखो सब में ये क्या हाफ है, सब में क्या है पहले इन दो एंगल का एडिशन है, ये जो एंगल है ना पहले इनका एडिशन है ए प्लस बी और बाद में क्या है ए माइनस बी है। तो याद कैसे रहेगा, सबके सामने हाफ है, ब्रैकेट में पहले ए प्लस बी और बाद में ए माइनस बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कॉस ए इंटू साइन बी का हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब बताओ इसमें दिक्कत क्या होती है लर्न करने में, कुछ बातें से भी याद रखनी पड़ेगी कि हाफ आपको पता है ए प्लस बी पहले ए माइनस बी बाद में, दिक्कत यह होती है कि साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन में एक जैसे ही फॉर्मूले, देखो तुम साइन इंटू कॉस बोलो कॉस इंटू साइन बोलो फॉर आंसर साइन में ही है, बस साइन इंटू कॉस रहा तो प्लस में आंसर है, कॉस इंटू साइन रहा तो माइनस में आंसर। चलो
कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, बताओ कॉस ए कॉस बी का आंसर क्या है? कॉस में चेयर, और इसका भी आंसर कॉस में चेयर। बस दिक्कत ये कि इसका प्लस में और इसका माइनस में। तो फिर अभी लर्न कैसे करना, तो हिंट दी है मैंने लर्न करने को। अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री रही, ट्रिग्नोमेट्री कैसे रही, सेम देखो कॉस कॉस साइन साइन, ट्रिग्नोमेट्री सेम है ना, और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री इसको बोलते हैं साइन कॉस कॉस साइन। तो बताओ सेम ट्रिग्नोमेट्री अगर रही, चाहे कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, दोनों को सेम बोलते ना, सेम ट्रिग्नोमेट्री के आंसर में क्या आएगा, कॉस आएगा। आंसर किसमें लिखना, आंसर कॉस में लिखना, आंसर किसमें लिखना, कॉस में लिखना। देखो आंसर कॉस में लिखा ही, तो सेम ट्रिग्नोमेट्री का आंसर किसमें लिखा है, कॉस में। देखो ये भी कॉस में, वो भी कॉस में, बस इतना रखना पड़ेगा भाई, कॉस कॉस का प्लस में, साइन साइन का माइनस में। बताओ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रही तो साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री का आंसर किसमें लिखना है, साइन में लिखो, आंसर साइन में लिखना। बस आपको इतना याद करना पड़ेगा, लेकिन साइन टू कॉस का प्लस में, कॉस टू साइन का आंसर, ठीक है ना। तो ठीक है, अब देखते आगे, अब इसके प्रॉब्लम जो है वो आपके सामने दे रहा हूं मैं, और उनके आपको आंसर लिखने। फॉर एग्जाम्पल पहला है साइन थ्री एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन थ्री एक्स और कॉस एक्स। तो अब बताइए आप कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एंगल डिफरेंट है थ्री एक्स और एक्स, कौन सा लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है, बताओ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री का आंसर किसमें आएगा, साइन में। तो हाफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री है तो आंसर साइन में लिखा हाफ। साइन कितना होगा थ्री एक्स प्लस वन एक्स फोर एक्स, और ये कितना होगा थ्री एक्स माइनस वन एक्स टू एक्स, ठीक है, ये साइन फोर एक्स और ये साइन टू एक्स, ये हो गया इसका आंसर। इसी तरीके से आपको एक एक दिए जाते हैं और आपको करना है। फिर आएगा कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स, ठीक है। अब बताओ कॉस इंटू साइन, अब कॉस इंटू साइन है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री है तो आंसर किसमें आएगा, साइन में, क्या आएगा हाफ इंटू साइन में, जब पहले हमेशा करना पहले प्लस बी बाद में माइनस बी, ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी फिर आएगा ए माइनस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, याद रखना साइन इंटू कॉस का प्लस में, कॉस इंटू साइन का माइनस में, साइन इंटू कॉस प्लस में, कॉस इंटू साइन माइनस में। अब बताओ क्या आंसर आने वाला है, हाफ ये होगा साइन फोर एक्स माइनस साइन कितना होगा वो टू एक्स, यानी एक्स माइनस थ्री एक्स क्या होगा माइनस टू एक्स। अब बताइए कितना होगा, ये है साइन फोर एक्स माइनस, बताओ आपको ये निगेटिव एंगल दिख रहा है ना, साइन का एंगल निगेटिव है, बताओ मैंने क्या बताया था, अगर साइन का एंगल निगेटिव है तो माइनस साइन का आता है बाहर, ये साइन का एंगल निगेटिव है तो ये माइनस का आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और बताओ पहले से ये माइनस था और ये माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये है इसका आंसर, किसका साइन इंक्रीज का, साइन कॉस इंटू साइन का। उसके बाद है कॉस एक्स कॉस फोर एक्स, अब आप क्या करो, अब आप वीडियो पॉज करो और अपने मन से करने की पूरी कोशिश करो, वीडियो पॉज करो। अब आप बताओ कॉस ए इंटू कॉस बी, बताओ कॉस ए कॉस बी सेम ट्रिग्नोमेट्री तो आंसर में क्या आता है, कॉस, लिखो कॉस, हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कितना आएगा बोलो, ये कॉस होगा फाइव एक्स और ये होगा कॉस माइनस थ्री एक्स। कुछ बताया था आपको याद है, कॉस का एंगल अगर निगेटिव रहा तो माइनस साइन का आएगा, यानी कॉस का एंगल निगेटिव है तो माइनस साइन लिखना ही नहीं है, इन सब में माइनस साइन बाहर तो भी लिखना पड़ता है, इसमें तो लिखना ही नहीं है, ये जैसा है वैसा कॉस का माइनस साइन का, ये है आपका आंसर, ठीक है। अब है साइन थ्री ए इंटू साइन सेवन ए, अब साइन थ्री ए इंटू साइन सेवन ए, बताओ साइन ए इंटू
साइन बी। अब साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है, माइनस हाफ, याद रखना सब में प्लस हाफ है, इसमें क्या है माइनस हाफ है, ये याद रखना। अब बोलो क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, यानी आपको बताया था सेम ट्रिग्नोमेट्री को आंसर पास में, सेम ट्रिग्नोमेट्री है कॉस कॉस साइन से आंसर पास में। चलो बताओ हाफ ये कॉस कितना होगा टेन ए, माइनस ये कॉस कितना होगा माइनस फोर ए, थ्री ए माइनस सेवन ए माइनस फोर ए। बोलो ये कितना है कॉस टेन ए, कॉस का एंगल नेगेटिव रहा तो माइनस साइन का है, ये जैसा है वैसा, ये माइनस साइन गायब हो गया, गायब क्यों हो गया, नियम बचे ना कॉस का एंगल नेगेटिव माइनस साइन दिख रहा ही नहीं, ये जैसा वैसा तो इसका कोई रोल नहीं, ये जैसा वैसा ये गायब हो गया, ये है आंसर कॉस साइन थ्री ए कॉस सेवन ए। और उसके बाद है साइन पी एक्स और कॉस क्यू एक्स, ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिख के देता हूं, क्या है साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स। अब बताओ ये कौन सा है, ये है साइन ए इंटू कॉस बी, बताओ साइन ए इंटू कॉस बी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री तो आंसर किसमें आएगा साइन में, त्रिभुज साइन में, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बराबर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री तो आंसर साइन में, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री है ना आंसर साइन में। तो बोलो क्या आएगा साइन पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या होता है, जैसे कि थ्री एक्स प्लस वन एक्स क्या होता है फोर एक्स, थ्री ए प्लस सेवन ए क्या होता है टेन ए, लेकिन पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या होता है ये तो हम बता नहीं सकते, इसलिए क्या करना x को कॉमन निकालना, x को क्या निकालना कॉमन, यानी x कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या आएगा p प्लस वन, ऐसा है। इधर भी एक काम करो x को क्या निकालो कॉमन, तो क्या बचेगा p माइनस x कॉमन निकालो, तो इस तरह से। अब यहाँ पे ये एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये हम बता नहीं सकते, जैसे यहाँ पे कैसा बता सकते थे कि एंगल निगेटिव है, जैसे यहाँ पे बता सकते थे एंगल कैसा निगेटिव है, ये निगेटिव, यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि एंगल निगेटिव है कर दिया पॉजिटिव है, माइनस साइन इसका मतलब निगेटिव नहीं होता, बताओ फाइव माइनस टू ये क्या निगेटिव है क्या, और इसका आंसर तो पॉजिटिव आता है ना, तो इसने नहीं क्या ये बता नहीं सकते पॉजिटिव निगेटिव, आप यही रोक दो हो गया वही। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर एंगल सेम होता तो अगर क्या होता है एंगल सेम, बताओ ये तो एंगल सेम है ना, और सेम एंगल रहे तो फिर इन सब फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाने की जरूरत इसे ना, कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए कॉस बी यहाँ पे मत लगाओ क्यों, एंगल डिफरेंट चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट रहेगा नहीं है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है कॉस एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते, कॉस एक्स डबल है ना उसको कॉस स्क्वायर ऐसा, जैसे कि साइन टू वाई और साइन टू वाई, तो बताओ साइन ए इंटू साइन बी ये फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा नहीं सकते क्यों, एंगल डिफरेंट चाहिए, यहाँ पे कैसे सेम, तो क्या होगा साइन टू वाई का स्क्वायर, अरे कोई भी चीज अगर रिपीट हुई तो स्क्वायर होता है ना, कोई भी अगर टर्म रिपीट हुआ तो क्या होता है स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट टर्म है, ये अलग है वो अलग है, इसलिए यहाँ पे स्क्वेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग क्यों हो रहा है क्योंकि ये सेम है इसलिए। अब बताओ अगर ये अभी इंपॉर्टेंट साइन और कॉस है, अब बताओ साइन और कॉस है तो कैसे करना, तो बताओ एंगल सेम है ना, एंगल सेम है तो साइन ए इंटू कॉस बी का लगाने की जरूरत, मैंने इसकी हिंट आपको दी है, एंगल डिफरेंट रहे तो ये फॉर्मूले साइन ए कॉस बी, ए और बी ऐसा होते ना, यहाँ पे तो सेमच है तो कैसे करना, तो इसके लिए आप हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में हाफ एंगल, आपको अगर हाफ एंगल पता होगा तो देखो क्या था हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और मैंने उसमें आपको ये बताया था कि साइन और कॉस अगर आए, ये आया तो ऐसे लिखना और ये आया तो ऐसे लिखना, और ये भी बताया था कि अगर साइन और कॉस आए तो आंसर ऐसे लिखना, यानी साइन इंटू कॉस का आंसर ऐसे लिखना, देखो ये साइन इंटू कॉस है ठीक है,
और थीटा मींस एनी एंगल, थीटा यानी एनी एंगल, थीटा बैट यानी भी एनी एंगल। इसलिए उस समय मैंने स्पेशली पढ़ाया था आपको, आप ये वीडियोस बार बार देखते रहे, पिछले वीडियोस में ये सब, कि साइन और कॉस की जोड़ी चाहिए बस आपको, इधर से उधर जाते समय हाफ एंगल करना, उधर से इधर आते समय एंगल डबल करना। तो बताओ ये साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस का आंसर क्या है, साइन बाय टू, लेकिन इधर से इधर आते समय एंगल डबल करना, तो एक्स का डबल क्या होगा, टू एक्स। ये आपको किसमें पता चलेगा, हाफ एंगल फॉर्मूले ऑफ साइन थीटा, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने अभी बताया वैसे है, लेकिन तब भी आप वहां पे चेक कर लो, ठीक है। अगर बताओ यहाँ पे कॉस टू वाई और साइन टू वाई आया तो, अब बताओ कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन का फॉर्मूला कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हम ये जो लगाया वो यहाँ पे लगा नहीं सकते, क्यों, एंगल डिफरेंट रहे तो ही हम ये करते हैं, ये एंगल डिफरेंट है तो कॉस ए साइन बी बोला हमने इसको, यहाँ पे क्या दोनों एंगल सेम है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक आती है, ये वाली कि साइन और कॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन और कॉस की जोड़ी कभी भी आ जाए, आगे पीछे कैसे भी हो, साइन इंटू कॉस बोलो या कॉस इंटू साइन बोलो, एक छेड़ा रहे साइन कॉस कॉस साइन एक छोटा है, अरे एक्स इंटू वाई बोलो या वाई इंटू एक्स बोलो एक छोटा है, थ्री इंटू टू बोलो या टू इंटू थ्री बोलो एक छोटा है, तो वैसे ही है। तो अगर साइन और कॉस की जोड़ी आई तो आंसर क्या लिखना, साइन थीटा बाय टू, यानी साइन का डबल एंगल करना बाय टू। बताओ साइन और कॉस की जोड़ी है ना, तो साइन का डबल एंगल करना टू वाई का क्या होता है, फोर वाई बाय टू। ये दोनों के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, उसकी प्रैक्टिस आपको देखनी पड़ेगी। उसमें ये मैंने पढ़ाया था कि साइन और कॉस अगर जोड़ी में आ जाए साइन, तो उसका आंसर क्या आता है, साइन का डबल एंगल करना बाय टू। हमने साइन का डबल एंगल एक्स का टू एक्स बाय टू, टू वाई का डबल फोर वाई बाय टू। तो याद रखना, देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूले क्यों नहीं लगाए, जो हम पढ़ रहे ये वाले फॉर्मूले क्यों नहीं लगाए, इन फॉर्मूले के लिए एंगल सेम चाहिए और यहाँ पे एंगल कैसे सेम है। अब बताओ एंगल भी सेम, ट्रिग्नोमेट्री भी सेम, तो कॉस का स्क्वेयर होगा, एंगल भी सेम ट्रिग्नोमेट्री भी सेम अच्छे तो स्क्वेयर होगा ना, पूरा सेम सेम है तो स्क्वेयर होता है ना। यहाँ पे एंगल सेम है, ट्रिग्नोमेट्री सेम नहीं है, एंगल सेम है ट्रिग्नोमेट्री नहीं सेम, तो साइन और कॉस की जोड़ी का आंसर क्या है, साइन और कॉस की जोड़ी का आंसर रहता है, अगर कभी भी साइन और कॉस की जोड़ी आ जाए सेम एंगल वाली हम, तो साइन डबल एंगल बाय टू करना, तो साइन का डबल एंगल बाय टू, ये उसके लिए आपको ये अच्छा पक्का लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट डी फैक्टराइजेशन का यहाँ पे क्लोज होता है।